दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में अलगाववादी आतंकवादियों ने एक सरपंच की हत्या कर दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना गुरुवार देर शाम की है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आतंकवादियों ने गुलजारपुरा गांव में सरपंच मोहम्मद अमीन पंडित के घर के बाहर उन्हें गोली मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। आई वुड हैव अटैक पीडीपी लीडर्स इफ आई हैड बॉम्ब्स गन्स एंड फारूक एंड फारूक साहब हैज ऑल द, उनके पास तो सारा बना हुआ है। इकवानी इन्होंने बनाए हैं, टास्क फोर्स इन्होंने बनाए हैं, सरेंडर मिलिटेंट्स की फौजें इन्होंने बनाए हैं, ग्रेनेड्स और बॉम्ब्स इनके पास हो सकते हैं, हमारे पास नहीं हो सकते, ये सरकार में है, मिसयूज ये कर सकते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द, वी नो व्हाट फारूक अब्दुल्ला एंड कांग्रेस इज अप टू इन द स्टेट, वी नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, वी नो दैट दे कैन गो टू एनी लेंथ अपनी शिकस्त को बचाने के लिए, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, बट वी वॉन्ट टू नो व्हाट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अप टू, इफ व्हाई दे आर नॉट टेकिंग नोटिस ऑफ such inflammatory statements made by no less than a leader like Farooq Ahmad Bhat, who is a minister and also the patron of national conference, and also heading, his son is heading the government here, and all his speeches have been followed by violence on the ground. Jammu Kashmir mein 20 saal baad saal 2011 mein sarpanch aur panchon samet gram pratinidhiyon ke nirvachan ke liye hue chunav ke baad se hi wo algaowadi aatankwadiyon ke nishane par hai। ग्राम प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग की, लेकिन प्रशासन ने ये कहते हुए इनकार किया कि एक एक व्यक्ति को सुरक्षा देने के लिए हजारों सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता होगी। सरपंच की हत्या ऐसे समय हुई है जबकि अलगाववादियों ने लोगों से लोकसभा चुनाव से दूर रहने की चेतावनी भी दी है। राज्य में अगले चरण के तहत 24 अप्रैल को मतदान होना है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।